अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक मायोनीज़। तो आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाई है गार्लिक मायोनीज़। तो आइए मेरे साथ बनानी है हमने गार्लिक मायोनीज़। तो अगर गार्लिक मायोनीज़ नहीं है तो शवरमे में कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे गार्लिक मायोनीज़ बहुत पसंद है। ठीक है, इसमें जाएगा 6 to 5 लहसुन गार्लिक जाएगा इसमें, 6 to 5 क्लोव्स का मैंने पेस्ट बना लिया था। इसमें जाएंगे 2 एग वाइट और 1 कप इसमें जाएगा जी ऑयल, और जी हाफ जो है इसमें जाएगा लेमन। ठीक है जी जनाब, ये देखिए अब मैं ये डाल दूँगी, मैंने ये ले लिए थे लहसुन 6 to 5, इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन, पेस्ट बनाया था मैंने इसका। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल, ये देखें इस तरीके से हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन हमने ये पूरा 1 कप इसमें डालना है। ठीक है, अब मैं इसको कर दूँगी ग्राइंड। अब आप ये देखें कि ये मैं इसके ऊपर से ये इसका कवर जो है इसको मैं हटा दूँगी, और ये ऑयल जो है वो फिर हम यहीं से ही डालेंगे। ठीक है, क्यों नहीं निकलता। ठीक है, हम यहाँ इसको खोल के हम यहाँ से ऑयल डालेंगे। ठीक है, ऑयल डालते जाएंगे और हल्का हल्का से ग्राइंड करते जाएंगे। ये देखें जी, ऑयल और गार्लिक जो है वो अच्छा सा हो गया है, साथ इसके मिल गया है ऑयल और गार्लिक। और अब इस पॉइंट पे जो है हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी एग वाइट। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी डालेंगे, फिर जो बाकी रह गई है हम वो भी डाल देंगे। अब हम फिर इसमें ऑयल डालेंगे और फिर इसको ब्लेंड कर देंगे। अब हम इसमें जो हमारी एग वाइट जो रह गया था अब हम इसमें वो डाल देंगे पूरा। ठीक है, अब हम बंद करेंगे और हम फिर ऑयल डालेंगे। ये देखिए, अब हम जो हमने ये लेमन जूस लिया था अब हम ये डाल देंगे, हाफ लेमन का हमने जूस लिया था ये हमने वो डाल दिया है। ठीक है, और अब हम इसको फिर अब जो हमारा ये ऑयल रह गया था अब हम ये सारा डाल देंगे। ठीक है, ये देखें, और हमने इसको इतना ब्लेंड करना है कि हमें इसकी एक क्रीम सी बन जाए। ये जब आप देखें कि इसकी क्रीम जो है वो क्रीम बन गई है तो उस पॉइंट पे आप इसको निकाल लें। ठीक है, ये देखिए जी, अब हम इसमें डाल देंगे 1/3 टीस्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। और आप ये देख सकते हैं कि अभी इसके ऊपर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, तो हमने अभी इसको और ब्लेंड करना है और इसकी क्रीम बनानी है। ये अभी अच्छी से मायोनीज़ नहीं बनी है क्योंकि हमें इसके ऊपर यहाँ पर ऑयल दिख रहा है, तो हमने अभी इसको और ब्लेंड करना है, अच्छी सी थिक सी ये क्रीम बन जाएगी। उस पॉइंट पे आपने इसको निकालना है, अभी नहीं निकालना। ठीक है, तो जी जनाब, ये देखें मायोनीज़ जो है वो अच्छी सी बहुत क्रीमी मायोनीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं, ये देखें मायोनीज़ जो है वो रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कि कितनी क्रीमी है ये, और ये गार्लिक मायोनीज़ आप अपने घर में ट्राई करें और शवरमा बनाएं उसको आप ट्राई करें। आप इसको फ्रेंच फ्राइज से भी खा सकते हैं, आप इसको स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने घर में बनाई है और कितनी अच्छी और मज़ेदार सी गार्लिक मायो आपकी तैयार हो चुकी है। तो जी जनाब, आपने देखा कि मायोनीज़, तो आप भी ज़रूर अपने घर में ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं किया और मैंने कैसा बनाया, ये भी ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में बहुत सारा याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।